बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के दौरान राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बावजूद योगी सरकार द्वारा आरोपी पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा आरोपी सरफराज के घर और आसपास के अन्य मकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों की माने तो बुलडोजर की गड़गड़ाहट बहराइच में सुनाई दे सकती है और अवैध निर्माण पर सरकार का कठोर कदम उठाया जा सकता है। शुक्रवार को बहराइच में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधिकारी मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने खुद रूट मार्च किया। शहर के हर कोने पर सुरक्षा की स्थिति पर पैनी नजर बनी रही, भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिल पाई है। शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। आगामी समय में कानून और व्यवस्था को लेकर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गांव में कुछ महिलाओं ने अपनी पीड़ा को मीडिया के सामने भी व्यक्त किया है। क्या नाम आपका? आपके पति को कौन ले गया है? हमारे पति को ये सीआईडी वाले जो चलते थे लाठी वाले, इन लोग ले गए। क्या बता के ले गए हैं? वो बताने कुछ नहीं थे। जैसे मैं बैठी थी तो मेरा पति बैठा था और वो भीड़ में भागे, मतलब साथ में है परसों भाई, इस तरह से मारते मारते पकड़ ले गए। ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के नहीं हो। अभी छोड़ा नहीं है। क्या नाम आपका? हमरे पानो नाम। क्या दिक्कत है? दिक्कत का तो सुने की दर दर मारी मारी घूमी थे, लड़कन मारे लड़कन के लिए आवा थे, भर रहे घर में घुस जाते। अल्लाह अल्लाह, तो कौन घर में घुस जा रहा है? अब वह दिन जो दिन दंगा पर रात के नहीं सब बेलन वेलन टूट डाली, कहाँ चली गई? छठ नंदन पति पोता तीन बीमार है, एक पोता हमारा बीमार है, बिटिया बीमार है, दवा तक ना मिल रही है, कहाँ चली गई? भाग गए, 60 साल के आदमी, 60 साल के हैं, 1.5 साल हो गए वहाँ है, कहाँ है कहाँ नहीं है, डेढ़ कई दिन से नहीं पता है। चलो था पर बे शुक्ला हूँ ऑपरेशन कराए, मगर अब इधर उधर हार कहूँ, इधर डरकन मारे बाकी बुलाए तो हमारे बच्चे छोटे छोटे सब बेलन वेलन पल्ला वेलन सब फूड फूड नरिदना सब।